हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सयाम किस देश की प्राचीन नाम है? सयाम किस देश का प्राचीन नाम है? थाईलैंड को। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। वही कहेगा हजार हाथियों का देश तो हो जाएगा लायोस। हजार हाथियों का देश हो जाएगा लायोस और सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम हो जाएगा सयाम। दो नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मुक्केबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग के नाम से जाना जाता है और बेसबॉल के खेल परिसर डायमंड हो जाएगा और जूडो का हो जाएगा मैट, वॉलीबॉल या टेनिस का हो जाएगा कोर्ट। आगे देखेंगे, तीन नंबर क्वेश्चन है, लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? लेजेंड ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? फ्रांस का। वही कहेगा भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। चार नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक हो जाएगा आर के नारायण और एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हो जाएगा बी एस नायपॉल और ए सुटेबल बॉय कहेगा पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। आगे देखते हैं, पाँच नंबर क्वेश्चन है, पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? पोलियो के टीका की खोज किए थे जॉन इंसाल्क और रेबिज के टीका की खोज किए थे लुई पाश्चर। रेबिज कुत्ता काटने के कारण होता है। अनुवांशिकी के नियम की खोज किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। छः नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं? नेहरू पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए और पहली बार दिया गया था यूएनओ के जो सचिव थे यूथॉन्ट को पहली बार दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार और शुरू हुआ था 1965 से। 1965 में शुरू किया गया, इसमें 25 लाख की राशि दिया जाता है। अगला नंबर हो जाएगा, सात नंबर, संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई कहेगा तो सचिदानंद सिन्हा। पहली बार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को और 11 दिसंबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। आठ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निशानेबाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? निशानेबाजी के खेल परिसर को रेंज के नाम से जाना जाता है और खो खो को खेल परिसर कहेगा तो कोर्ट के नाम से, एरिना कहेगा तो घुड़सवारी का खेल परिसर है, फील्ड कहेगा तो फुटबॉल और हॉकी के। आगे देखते हैं, नौ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? पीसा की झुकी मीनार इटली में स्थित है। एफिल टावर कहेगा तो फ्रांस के पेरिस में। दस नंबर हो जाएगा, अमर्त्य सेन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में और इनको भारत रत्न दिया गया 1999 में। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महिला दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? महिला दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 13 फरवरी को, बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को और शिक्षक दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, जो कि एस राधा कृष्णन के जन्मदिन के दिवस पर मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। 13 नंबर है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर है, ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है? ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के तट पर किया गया है जो कि आगरा में स्थित है और कहेगा ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो मोहम्मद अहमद लाहौरी। 15 नंबर क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, 4 कहेगा तो पोलो में होते हैं और वाटर पोलो में होते हैं 7। आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। वही कहेगा कि पहली बार कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी कलकाता अधिवेशन के 1917 में। और भारतीय कहेगा कि पहली बार भारतीय महिला कौन थी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली, तो 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू।
17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाती है? समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार। वही समान गहराई वाली रेखा को मिलाने वाले को कहते हैं आइसोबाथ, और समान ऊंचाई पर मिलने वाली रेखा को कंटूर रेखा कहते हैं। 18 नंबर हो जाएगा, मेगास्थनीज किस देश के निवासी था? यूनान के, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 1593 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 नंबर हो जाएगा, स्काउट गाइड की स्थापना किया गया था कब? 1908 में, और किसने किया था? तो बेडेन पावेल ने। 21 नंबर हो जाएगा, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। डिफेंस क्षेत्र में कहेगा तो परमवीर चक्र। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक से। 23 नंबर हो जाएगा, ईरान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस के नाम से। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इबन तूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 25 नंबर हो जाएगा, टेनिस के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? कोर्ट के नाम से। 26 नंबर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोज किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किए थे माइकल फराडे ने। वही कहेगा, गति की खोज किसने किया था? गति के नियम दिए थे न्यूटन ने। दूरबीन के खोज किए गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर हो जाएगा, जलमार्ग से विश्व की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन। और मार्कोपोलो पांडव के शासनकाल में भारत आया था, जो कि इटली के निवासी थे। निकोलो कोटी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हॉकी के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? फील्ड के नाम से। वही बोलोड्रोम कहेगा तो साइकिलिंग का है। 29 नंबर हो जाएगा, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी के बहन शुक्र को कहा जाता है। अरुण ग्रह की खोज किए थे 1781 में विलियम हर्सल ने। आगे देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में चढ़ी थी। संतोष यादव कहेगा तो प्रथम भारतीय महिला थे जो कि माउंट एवरेस्ट दो बार चढ़ी थी। 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के। ह्वेनसोंग कहेगा तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और डायनोसियस कहेगा अशोक के दरबार में। डायनोसियस कहेगा तो अशोक के दरबार में आया था, और डाइमेकस कहेगा तो बिंदुसार के दरबार में। आगे देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइन। अगला क्वेश्चन है, 34 नंबर है, फायान किस देश का निवासी था? फायान जो था चीन के निवासी था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 35 नंबर हो जाएगा, भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जीना किए थे 1940 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 36 नंबर है, साइकिलिंग के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बोलोड्रोम के नाम से। 37 नंबर है, हीरा किसका शुद्ध रूप है? हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे, 38 नंबर हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा राज्य में बांग्ला भाषा बोला जाता है। 39 नंबर हो जाएगा, समान हिम रेखा को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आइसोनिफ के नाम से। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का मसाला उद्यान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? मसाला उद्यान के नाम से केरल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कनिष्क के दरबार में वैद्य कहेगा तो हो जाएगा चरक। वही कहेगा कि जीवक किन के दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के। पंतजलि कहेगा तो पुष्य मित्र सुंग के दरबार में रहते थे। एक ऊपर हो जाएगा,
आगे देखते हैं। 2 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा। अब पटना शहर की स्थापना किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी ने। 3 नंबर हो जाएगा, सती प्रथा का विरोध किस मुगल बादशाह ने किया था? अकबर। 4 नंबर है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर मापे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऊटी कहेगा तमिलनाडु में, और टनकपुर कहेगा तो उत्तराखंड में। ये सब है पर्वतीय नगर है जो कि अलग अलग राज्यों में बसा है। 6 नंबर देखते हैं, एथलेटिक को तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति किसके द्वारा होगा? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। और वही कहेगा प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और विटामिन से एक क्वेश्चन आता है कि किससे ऊर्जा नहीं मिलता है, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलता है। 7 नंबर हो जाएगा, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? आगा खा कप का संबंध है हॉकी से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 8 नंबर है, ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? ऊटी पर्वतीय नगर तमिलनाडु में स्थित है। 9 नंबर हो जाएगा, अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु रामदास के द्वारा, जिनको अकबर ने जमीन दान दी थी। अमृतसर के संधि कहेगा कब हुआ था? 1809 में, अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में। अमृतसर शहर की स्थापना किए थे गुरु रामदास, और अमृतसर संधि हुआ था 1809 में अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में। गुरुमुखी लिपि के लेखक कहेगा कौन है, प्रवर्तक या बोल सकते हैं तो गुरु अंगद। वही कहेगा गुरु ग्रंथ साहब किसने लिखा था, तो गुरु अर्जुन देव लिखे थे। आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तृतीय क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का उल्लेख है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग का, और तृतीय क्षेत्र में कहेगा तो परिवहन का। 11 नंबर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, और ज्वारीय बंदरगाह कांडाला हो जाएगा। और भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक हो जाएगा जयदेव। और जयदेव किनके दरबार में रहते थे, तो लक्ष्मण सेन के। पृथ्वीराज रासो के कहेगा चंद्रदाई, और पृथ्वीराज विजय के कहेगा तो जयनक। पृथ्वीराज विजय को हो जाएगा जयनक। और तुलसीदास कौन से पुस्तक लिखे थे, तो रामचरित मानस। और उत्तर रामचरित मानस के कहेगा तो भभूति हो जाएगा। आगे देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओहम। कब स्थापना किया था, 1885 में। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। वही कहेगा कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था 1886 में, जिसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1886 में, 1893 में, 1893 में और 1906 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे, रामानंद। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर देखते हैं, श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। 17 नंबर हो जाएगा, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी निर्वाचन आयुक्त फिलहाल में कौन है, तो अशोक गोयल। 18 नंबर हो जाएगा, खंडाला पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। 19 नंबर है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? जौनपुर शहर की स्थापना कराए थे फिरोज शाह तुगलक। और सल्तनत काल में कहेगा कि पहली बार नहर के निर्माण किसने किया था, गियासुद्दीन तुगलक। और सर्वाधिक कहेगा तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली की स्थापना किसने किया था, अनंगपाल ने। 20 नंबर हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाई जाती है? जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तब। और कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। और कहेगा कि इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया जा चुका है। पहली बार बुलाया गया था 1961 में दहेज प्रथा के लिए, दूसरी बार बुलाया गया था 1978 में बैंकिंग के लिए, और तीसरा बार बुलाया गया था 2002 में आतंकवादी संगठन के लिए।
आतंकवाद संगठन पर रोक लगाने के लिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर हो जाएगा, पंचमढ़ी पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। 22 नंबर है, भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना कब लाया गया था? 1947 में। बेबेल योजना कहेगा तो 1944 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। कैबिनेट मिशन को बनाया गया था 1946 में। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। और मलेरिया कहेगा किसको प्रभावित करता है? पलिया या तिल्ली को। ज्वाइंडिस कहेगा तो लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं। 24 नंबर हो जाएगा, एक मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? 10 लाख वाट। 25 नंबर है, विकासशील देशों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विकासशील देशों के लिए तृतीय विश्व का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 26 नंबर हो जाएगा, जफरनामा का लेखक कौन है? जफरनामा का लेखक हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। वही कहेगा कि अकबरनामा का लेखक अबुल फजल। अकबरनामा को लिखने में अबुल फजल को सात बरस लग गया था, 7 ईयर। 27 नंबर देखते हैं, विद्युत बल्बों के फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। वही कहेगा कि हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। 28 नंबर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो वेबर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर देखते हैं, जयपुर नगर के संस्थापक कौन है? सवाई जय सिंह द्वितीय। 30 नंबर हो जाएगा, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। 31 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है और उपराष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कहेगा तो हो जाएगा अनुच्छेद 66 में। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। 32 नंबर देखते हैं, सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। आगे देखते हैं 33 नंबर हो जाएगा, रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। 34 नंबर है, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय हो जाएगा विशाखापत्तनम, और पश्चिमी कमान के कहेगा तो मुंबई, और दक्षिणी कमान के हो जाएगा कोचीन। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान हो गया विशाखापत्तनम, पश्चिमी कहेगा तो मुंबई और दक्षिणी कोचीन। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। और कहेगा मार्ले मिट्टो सुधार किस अधिनियम कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। मार्टेंगू चेम्स फोर्ड कहेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को। 36 नंबर क्वेश्चन है, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? मिल्टन। वही कहेगा कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, पुस्तक के लेखक कहेगा तो विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता? काला। 38 नंबर है, किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल जब अधिक हो जाएगा तो हृदय रोग हो जाएगा। अमोनिया जो है जल में सबसे अधिक घुलने वाली गैस है। हीमोग्लोबिन कहेगा तो ये प्रोटीन के बना होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? हैदराबाद नगर के संस्थापक थे कुलू कुतुब शाह, जो कि स्थापना किए थे 1591 में। 40 नंबर है, अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में है? अल्मोड़ा कहेगा तो उत्तराखंड में स्थित है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।